जी हाँ, अपने इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे जो तस्वीर आप देख रहे हैं मलाइका अरोड़ा की, उसके बारे में। मलाइका अरोड़ा ने न्यूयॉर्क को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया, वेयर द स्ट्रीट्स हैव नो नेम यू टू बोनो जोशियो ट्री। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया तो मलाइका को कर लिया गया फिर से ट्रोल। आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है स्टार्स को और मलाइका को। ट्रॉलर्स के बीच तो हमेशा ही ट्रॉलिंग वाली क्वीन के तौर पर जाना जाता है। हमेशा ही ट्रॉलिंग के बीच मलाइका को अपना नाम शुमार करते देखा गया। अर्जुन कपूर से 11 साल बड़ी होने के कारण मलाइका उन्हें डेट करने को लेकर काफी ज्यादा लोगों के बीच आलोचनाओं का कारण रहती हैं। लेकिन मलाइका को इस कदर भी ट्रॉल किया जाएगा? मोनी कपूर के नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर मलाइका अरोड़ा को इस तरह से ट्रॉल किया जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जरा देखिए ये पोस्ट मलाइका अरोड़ा को लेकर किस तरह से अर्जुन कपूर और मलाइका को लेकर इंस्टाग्राम पर बोनी कपूर के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर किसी ने लिखा, कहाँ घूम रही हो बहू रानी और मेरा वो बेटा कहाँ है, बेटे को लायक का नहीं बता रहे हैं बोनी कपूर। अरे भाई आप चौंकिए मत, यहाँ बोनी कपूर खुद बॉलीवुड डायरेक्टर अर्जुन के पिता नहीं, बल्कि यहाँ पर इंस्टाग्राम पर बनाए गए एक फेक अकाउंट की बात हो रही है। बोनी को भी कर लिया गया ट्रॉल मलाइका अरोड़ा के साथ अर्जुन के अफेयर होने के कारण। अफेयर को तो दोनों ने स्वीकार कर लिया, ऑफिशियली दोनों ने रिलेशनशिप को स्वीकार भी कर लिया, पब्लिकली इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मलाइका और बोनी के ट्रॉल होने के पीछे अर्जुन कपूर भी घिस रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुरानी मलाइका अरोड़ा बन गई तो ससुर बोनी कपूर बन गए यहाँ ट्रॉलर्स के बीच, इंस्टाग्राम पर कमेंट करने वालों के बीच, फैंस के बीच, ट्रॉलर्स के बीच। लेकिन यहाँ उनका रिश्ता इस तरह से हंसी का पात्र बनकर रह गया जिसका अंदाजा शायद मलाइका को ना हो। वैसे इंस्टाग्राम पर ट्रॉल किए जाने को लेकर मलाइका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी की ऐसी सोच है जिसके कारण नतीजा ये निकल कर आता है कि लोग उम्र के फासले को भी देखते हैं। तलाक के बाद मलाइका अपने बेटे के साथ मदरहुड एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रही हैं, मूव ऑन कर रही है, तो लोगों को तकलीफ सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मलाइका 11 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है, बल्कि इसलिए तकलीफ है क्योंकि तलाक शुदा है मलाइका। ये बात अलग है कि मलाइका अच्छी तरह से जानती है और इस बात को स्वीकार कर चुकी है जो सोसाइटी आज है, वहाँ अगर कोई लड़का शादी के बाद तलाक ले ले और फिर किसी और को डेट करे, अपने से छोटी उम्र की एक्ट्रेस को डेट करे, अपने से छोटी उम्र की महिला को डेट करे, तो इससे लिए किसी को भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर कोई महिला ऐसा कदम उठाए, अपने से छोटे उम्र के किसी शख्स के साथ प्यार करने की कोशिश करे, हिम्मत बनाए और कोई ऐसी इच्छा रखे, ख्वाहिशें रखे, तो ये महिला की गलती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सोसाइटी आज भी महिलाओं और पुरुषों में फर्क को इस तरह से आंकती है और फर्क को बयां करती है कि फर्क तो इस तरह से किया ही जाता है और तुलना तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं आप ट्रॉलिंग करने के पीछे मलाइका अरोड़ा और अर्जुन का रिश्ता ही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।